तो लास्ट टॉपिक जो हमारा इस यूनिट का है, 10 क्वेश्चन आपको इससे आने हैं। कमोबेश स्थिति ऐसी ही है कि 10 क्वेश्चन एक यूनिट से आएगा। तो आज जो हम लोग कवर कर रहे हैं 10 यूनिट तक 10 क्वेश्चन होगा, और इवनिंग में कल सुबह जाने से, एग्ज़ाम जाने से पहले इवनिंग में आज जो है हम जो लेक्चर डालेंगे करीब, जिसमें VCRS होगा और वेरिएबल कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा, और आपका एक और सिस्टम है जिसका नाम है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होगा। ये दो सिस्टम आपको हम और डालेंगे शाम को। तो जो भी बच्चे हैं वो अपना 3 यूनिट जो है कंप्लीट करके जाइए, और 20, 30, 60 नंबर का जो है आपका आराम से क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। उसके बाद आपके पास और भी जो भी आप लोगों ने बेसिक फंडामेंटल सेकेंड ईयर से पढ़ा हुआ है, उसके बेस पर आप इस पूरे को सॉल्व कर सकते। तो DRT का जो फुल फॉर्म होता है, इसका एक तो फुल फॉर्म ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला ऑब्जेक्टिव जो है इसी से बनेगा, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म, पूछेगा डार्ट स्टैंड फॉर, तो आपका ऑब्जेक्टिव है ड्राई एयर रेटेड टर्बाइन डिस्चार्ज टेम्परेचर। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ड्रॉट का जो फुल फॉर्म है ये ड्राई एयर रेटेड टर्बाइन डिस्चार्ज टेम्परेचर है, ये आपके पास है। अब जो वेरियस कूलिंग, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, दैट इज़ वेरियस कूलिंग सिस्टम को कंपेयर करने के लिए, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। जितने भी आपने अभी सिस्टम पढ़े हैं, 6 सिस्टम पढ़े हैं, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, बोट स्ट्रैप एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम, रीजनरेटिव आपका हो गया, रिड्यूस्ड एम्बिएंट हो गया, जो 6 सिस्टम आपने पढ़े हैं, इन 6 सिस्टम का कंपेरिजन आप कैसे करते हैं, तो वो 2 आधार है उसको। एक तो एक एक्सेस पे ड्राई एयर रेटेड टर्बाइन डिस्चार्ज टेम्परेचर लेते हैं, और एक पे मैक नंबर लेते हैं। मैक नंबर आपको पता होना चाहिए, मैक नंबर इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वी, और अगर आप एनी मीडियम, किसी मीडियम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और उसी मीडियम में साउंड की वेलोसिटी का अगर डिवाइड कर दे तो बनता है मैक नंबर। मैक नंबर ये तय करता है कि कोई भी सब सोनिक स्पीड से जेट चल रहा है, सुपर सोनिक, ट्रांसोनिक कैसे होगा। अगर मैक नंबर 1 से कम है तो आप बोल सकते हैं कि ये सब सोनिक है, अगर 1 से ज़्यादा है तो आप बोल सकते हैं सुपर सोनिक है, अगर आपका 1 है तो आप बोल सकते हैं जो ये नॉर्मल डिवीज़न है। ऐसे और कैटेगराइज डिवीज़न किया गया हाइपरसोनिक के लिए, सुपर सोनिक के लिए, ट्रांसोनिक के लिए, लेस देन 1 सब सोनिक, सोनिक 1 पर होगा, और 1 से ज़्यादा पर आप बोल सकते हैं कि सोनिक से ज़्यादा सुपर सोनिक हो जाएगा। और उसके बाद और भी डिवीज़न किए गए हैं, लेकिन हम एक नॉर्मल डिवीज़न उस पर भी चर्चा हम लोग कर नहीं रहे हैं। ये जो एक्सेस होती है दैट इज़ DART है, ड्राई एयर रेटेड टर्बाइन डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है। ये टर्बाइन डिस्चार्ज टेम्परेचर है, ध्यान रखिएगा, यही वो टेम्परेचर है एयर का जो जाता है केबिन में पैसेंजर के पास, जिस टेम्परेचर पर हवा जाती है, तो ये एक होगा। और ये मैक नंबर होता है जो बताता है कि प्लेन की स्पीड कितनी है। तो अगर आप देखें सिंपल एयर सिस्टम को देखें, अगर मैक नंबर की बात करें 0.2 से ये शुरू होगा, और ये 2.6 तक मान लीजिए आता है आपका सुपर सोनिक, सोनिक तक आपका ऐसे ही ये आपका रिवीजन हो गया। और यहाँ पर टेम्परेचर देखिए -60°C से शुरू होता है, और आपका यहाँ पर करीब 0°C होता है, फिर 10, 5, 7, 10 ऐसे आपका बढ़ता जाता है, 0 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, 20°, 30°, 40°, ऐसे आपका हो जाएगा। अगर आप इस सिस्टम को देखें तो ये DRT एक एक्सिस पर है, वर्टिकल एक्सिस पर, और मैक नंबर यहाँ पर है। मैक नंबर का मतलब है जो भी प्लेन आपकी है उसकी स्पीड क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, प्लेन की स्पीड क्या है। इसकी स्पीड जितनी ज़्यादा होगी मैक नंबर उतना ज़्यादा होता जाएगा। और DRT क्या है, ये टर्बाइन के डिस्चार्ज का टेम्परेचर है, जो कूलिंग टर्बाइन आप लास्ट में यूज करते थे जिससे हवा निकलने के बाद पैसेंजर के पास जाती थी, जहाँ लोग बैठ रहते थे, वो टेम्परेचर है जिस पर हवा निकलती है आपकी। अब इसको ध्यान से देखना है कि जो 6 सिस्टम हमने पढ़े हैं वो कहाँ स्टैंड करते हैं इस ग्राफ के अंदर। तो अगर आप देखा जाए तो ग्राफ ऐसा बोलता है, ये सिंपल एयर सिस्टम है, जो सिंपल कूलिंग सिस्टम था ये सिंपल एयर सिस्टम था। सिंपल एयर सिस्टम का मतलब ये था कि आप देखिए जैसे जैसे मैक नंबर बढ़ रहा है, यानी स्पीड एयरक्राफ्ट की बढ़ती जा रही है, आप देखिए टेम्परेचर, आप इस एक्सिस पे देखिए आपका टर्बाइन डिस्चार्ज टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यानी ये इसकी 30°C पर जा रहा है, 40°C पर हवा जाएगी तो आदमी को कैसे ठंडा महसूस होगा पैसेंजर को। इसका मतलब है अगर स्पीड कम है, ग्राउंड लेवल पर एयरक्राफ्ट है, नीचे है, ज़मीन पर है, तो आप देखिए माइनस में इसका टेम्परेचर जा रहा है, -30, -40 जा रहा है। इसका मतलब यह है कि लोअर स्पीड पर सिंपल एयरक्राफ्ट सिस्टम अच्छा वर्क करता है, लेकिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाती है वैसे वैसे ये सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या होती जाती है, कम हो जाती है। तो सिंपल एयर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेगा, ग्राउंड लेवल पर इसका अच्छा, एक अच्छा ग्राउंड लेवल पर
या आर स्पीड जब कम होगी, लेस होगी, बहुत कम होगी, मिनिमम होगी, तो इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, ज़्यादा है, इफेक्टिवनेस ज़्यादा है, ज़्यादा है इसकी इफेक्टिवनेस। किसी सिंपल एयर सिस्टम की इफेक्टिवनेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। अगर ग्राउंड लेवल की बात करेंगे, अगर एयरक्राफ्ट किस पर है, ग्राउंड लेवल पर है, तो आपकी इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, ज़्यादा है आपका। अब बूट स्टम सिस्टम को अगर आप ध्यान से देखें तो बूट स्टम सिस्टम ऐसे चलता है। बूट स्टम सिस्टम के साथ क्या है कि मैक नंबर बढ़ने के साथ साथ इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि मैक नंबर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर तो बढ़ रहा होता है। मैक नंबर बढ़ रहे टेम्परेचर, मैक नंबर का मतलब स्पीड बढ़ रही होती है तो टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, इसका भी डायरेक्ट टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, लेकिन ऐसा स्लोप है कि ये रेशियो कम होता है, जो जिस स्पीड से मैक नंबर बढ़ रहा है यानी स्पीड बढ़ रही है, उस रेस से टर्बाइन का डिस्चार्ज टेम्परेचर उतना बढ़ नहीं रहा है आपका। तो एक एडवांटेज इसकी ये हो जाएगी कि हाई स्पीड पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से डिसएडवांटेज तो है कि स्पीड बढ़ने के साथ साथ इसकी भी टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, डिस्चार्ज टेम्परेचर। तो क्या करेंगे इसके अंदर, अब बूट स्टेप के बाद एक और पढ़ाया गया था ई वेपोरेटर बूट स्टेप एयर ई वेपोरेटर का इस्तेमाल कर देंगे तो उससे और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और या तो आप क्या करिए, रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल करिए, रीजनरेटिव यानी हायर मैक नंबर देखिए ज़्यादा है तब भी आपका टेम्परेचर क्या है, कम है, तो रीजनरेटिव या तो इस्तेमाल कर लिए या बूट स्टेप के साथ एक कम्बिनेशन और डाल दीजिए, क्या, एयर ई वेपोरेटर सिस्टम, यानी बूट स्टेप एयर ई वेपोरेटर सिस्टम यूज करिए या रीजनरेटिव सिस्टम यूज करिए, दोनों सिस्टम को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आप, क्योंकि हायर स्पीड पर बूट स्टेप सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या बूट स्टेप या आप रीजनरेटिव सिस्टम बोलिए, दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन कंपेयर टू सिंपल सिस्टम, या आपका ये बोल सकते हैं आपका सिंपल इवेपोरेटिव सिस्टम, इवेपोरेशन सिस्टम बोल सकते हैं। तो आपको ये ग्राफ बना करके वो पूछ सकता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक गैप दे देगा, वो पूछ लेगा। तो सिंपल सिस्टम ये हो गया, ये सिंपल विथ इवेपोरेटर हो गया, सिंपल विथ इवेपोरेटर बोल सकते हैं, इवेपोरेटर बोल सकते हैं। यहाँ पर बूट स्टेप है, दैट इज बूट स्टेप, ये आपका जो जा रहा है बाद में रीजनरेटर है, रीजनरेटर। तो आप अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, यहाँ से लोड आएगा तो आपका इवेपोरेटर, सिंपल विथ इवेपोरेटर, ये बूट स्टेप, ये रीजनरेटर, ऐसे आपका सिस्टम हो जाएगा। और इधर से अगर आप देखें तो ये रिड्यूस्ड एम्बियंट है, क्योंकि आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर तक आएगा। और बूट स्टेप एयर इवेपोरेटर का मतलब है नीचे और चलाएगा, यानी हाई मैक नंबर पर भी टेम्परेचर क्या है, कम है। ये हो जाएगा बूट स्टेप एयर इवेपोरेटर, इवेपोरेटर सिस्टम हो जाएगा। ये कौन सा है, ये आपका जो है रिड्यूस्ड एम्बियंट है, रिड्यूस्ड एम्बियंट है, एम्बियंट है, ये आपका जो वापस आ रहा है ये सिंपल विथ इवेपोरेटर है। ये कौन सा है, सिंपल है। ये कौन सा है, बूट स्ट्रेप है, बूट स्ट्रेप है। और ये आपका जो है आपका रीजनरेटिव है, ये कौन सा है, रीजनरेटिव। तो आप ये बोल सकते हैं कि चाहे बूट स्ट्रेप के साथ आप इस एयर इवेपोरेटर इस्तेमाल करिए या आप रीजनरेटर इस्तेमाल करिए, एक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम स्पीड पर कौन ज़्यादा है, तो आपका सबसे सही है सिंपल एयरक्राफ्ट सिस्टम यूज करिए, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है। लेकिन जब स्पीड बढ़ती है तो आपका डिस्चार्ज टेम्परेचर बढ़ने लगता है। आप देखिए सिंपल एयरक्राफ्ट सिस्टम में जैसे जैसे इधर आप जाएंगे वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जाता जा रहा है, टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पर इफेक्टिवनेस क्या होती है, कम होती है। वहाँ पर आप रिप्लेसमेंट किससे करेंगे, बूट स्टेप। बूट स्टेप की जो भी डिसएडवांटेज को दूर कौन करेगा, बूट स्टेप के साथ एक कम्बिनेशन इवेपोरेटर और लगा दीजिए, ठंडा और कर देगा। अगर उससे भी काम नहीं चल रहा है तो आप क्या करिए, रीजनरेटिव सिस्टम के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रीजनरेटिव का मतलब क्या था, टरबाइन जो कूलिंग टरबाइन थी उस टरबाइन से वापस आप क्या करते थे, हवा, ठंडी हवा निकाल करके उसको जो कंप्रेसर से आ रही है उसको ठंडा कर देते थे। कि इस टरबाइन का इसलिए बोला गया सुपरसोनिक में इस्तेमाल होता है। सुपरसोनिक का मतलब है मैक नंबर बहुत ज़्यादा होना। मैक नंबर जितना ज़्यादा होता जाएगा वैसे वैसे आप सिंपल से बूट स्टेप, बूट स्टेप के बाद बूट स्टेप एयर इवेपोरेटर, और एयर इवेपोरेटर के बाद रीजनरेटिव कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये आपका जो टॉपिक है, इस टॉपिक से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं हमने सभी को कवर कर लिया है। कहाँ पर एयर की क्या एडवांटेज है, एयर की क्या डिसएडवांटेज है, छह सिस्टम थे, छह सिस्टम की अपने एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, छह सिस्टम का एप्लीकेशन कैसे होता है, क्या लोकेशन पर टरबाइन बैठी है, कि तो किस किस सिस्टम के अंदर दो टरबाइन होती है, तो आपका जवाब होगा
रीजनरेटिव सिस्टम के रिड्यूस्ड एम्बियंट सिस्टम के अंदर जो है आपका दो टर्बाइन, दो कूलिंग टर्बाइन होती है रिड्यूस्ड एम्बियंट सिस्टम के अंदर। अगर आपसे पूछे जाए दो कंप्रेसर कहाँ इस्तेमाल करेंगे, तो आप बोल सकते हैं दो कंप्रेसर का इस्तेमाल बूटस्ट्रैप सिस्टम के अंदर यूज हो रहा है। मैं बार बार पिच कर रहा हूँ इस पॉइंट को, बूटस्ट्रैप के अंदर दो कंप्रेसर इस्तेमाल होता है। लोकेशन आप जानते रहिए, सेकेंडरी कंप्रेसर का लोकेशन दो हीट एक्सचेंजर के बीच में होता है या हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टर्बाइन के बीच में। अगर दो हीट एक्सचेंजर आपके पास ऑप्शन में नहीं है, तो आप हीट एक्सचेंजर और कूलिंग टर्बाइन के बीच में आप बोल सकते हैं किसका इस्तेमाल करेंगे, आप बूटस्ट्रैप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अगर लोकेशन पूछे आपका, तो लोकेशन सब में होना चाहिए। और लोकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक का चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, और बहुत आसान है, इतनी बार पढ़ाने के बाद आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। ड्राई एयर रेटेड टर्बाइन डिस्चार्ज टेम्परेचर, ध्यान रखिएगा ये वर्ड, इसका जो है फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ड्राई एयर रेटेड टर्बाइन डिस्चार्ज टेम्परेचर। और ये इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसका इस्तेमाल आप मैक नंबर के साथ डिफरेंट तरीके के जितने भी रेफ्रिजरेशन एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है उसको कंपेयर करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम लोग जो है इस लेक्चर को अभी यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारा पहली यूनिट ख़त्म हो गया, तो 10 क्वेश्चन यहां से आपको पूरे जो कल का लेक्चर था, आपको जो आज का लेक्चर हम भेज रहे हैं, अभी यह पहुँचेगा आपको करीब 11 बजे तक आपके पास, हो सकता है अपलोड हो जाए यूट्यूब पर, तो वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। और उसको जो है 2-3-4 बार आप लोग पढ़िए, दोनों को मिला करके एक बार पढ़िए, 10 नंबर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लीजिए 10 नंबर का। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर भी कर दिए गए हैं। अब जो शाम को जो लेक्चर पड़ेगा उसमें सिंपल वेपर कंप्रेशन होगा और वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेंट भी होंगे डिफरेंट टाइप के, इससे आपके जो है 20 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। तो टोटल 30 क्वेश्चन जो हो जाएंगे, एक 10 अभी तक के, 20 शाम के, तो 30 क्वेश्चन आपको एकदम जवान पर रटे हुए वहाँ जाएंगे। जैसे आप देखेंगे आप टिक कर सकते हैं, तो आपका 60 नंबर तो मिनिमम फिक्स होगा। उसके बाद आप लोग जो है जितना पढ़ पाए आज तक उसको जो है सेकेंड ईयर का जो भी नोट्स आपको दिया गया था उसमें आपका एयर कंडीशनिंग वाला जो पोर्शन था कि चार्ट वाला था, जिसमें अगर मैं देखूंगा कोशिश करूंगा उसको अगर हो पाएगा तो मैं उसको भी कवर कर दूंगा रात में। तो आप लोग जो है इसको आज 2-3 बार इसको पढ़ लीजिए ताकि सब कुछ याद हो जाए। थैंक यू वेरी मच।